जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो ये पढ़ के क्या करेंगे, मोदी जी के जैसे बोलेंगे चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम करेंगे। पीछे वाला लड़का बोला पकौड़े भी रख लेना। तो भाई जो जिन्हें मोदी जी में विश्वास है वही चाय पकौड़े बेचेंगे, हमें तो भाई साहब कहीं से कहीं तक विश्वास नहीं। तो इतने कौन कौन घुसा भाई दिल्ली में जाके बोल भी मत दियो ये बात कि G20 से, ठीक है, नहीं तो चप्पल के बगैर वहां से आएगा। दिल्ली मतलब 2014 से अब तक कोई एक भी गरीब अगर बोल देना कि मैं मोदी जी से खुश हूँ तो मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं खुश, रेल भी कहेगा सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट हो चुका, ठीक है। ये जो सरकार है ना सिर्फ अडानी और अंबानी का है, ठीक है। इनके अगर मन में आए तो 3500 करोड़ माफ कर दे, आए तो 200 करोड़ माफ कर दे, गरीब का एक भी माफ नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई किसान अगर लोन ले ले उसके ऊपर देखो बाइक वाले भैया बताइए 2024 में मोदी जी नहीं तो कौन, मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएगा। अच्छा। मोदी के अलावा कोई सरकार नहीं। आपको क्या क्या मिला मोदी सरकार? कितने हमें सब कुछ मिला, क्या क्या मिला, जो कुछ जो सुविधाएं वो सब। अभी करते क्या कौन, हमें बीए कर रहा हूँ, ये कर रहा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ ग्रेजुएशन के बाद एमटेक नौकरी, हाँ नौकरी करेंगे मास्टर की, मास्टर की और क्या, तैयारी कर रहे हैं, लगे रहेंगे तैयार से उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश से। एक सालों में कितनी वैकेंसी निकली है? अभी वैकेंसी नहीं निकली है। जब वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी तो पढ़ के क्या पढ़ के क्या, क्यों नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेंगी? अरे घर का गेट ही बंद है तो दरवाजे से अंदर कैसे जाओ? अभी 62,000 वैकेंसी आई कि नहीं? 62,000 वैकेंसी आई। बगल से बोलना चाय बेचेंगे। हाँ 62,000 वैकेंसी आई भाई। अच्छा हाँ 62,000 हाँ यूपी में आई भी 62,000 बैंक के। हाँ वही जरा और भी युवा पूछ लेते, देखो क्या लग रहा भैया नौकरी के बारे में बता रहे हैं, रोजगार का क्या हालत है देश में? जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो ये पढ़ के क्या करेंगे, मोदी जी के जैसे बोलेंगे चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम करेंगे। पीछे वाला लड़का बोला पकौड़े भी रख लेना। तो भाई जो जिन्हें मोदी जी में विश्वास है वही चाय पकौड़े बेचेंगे, हमें तो भाई साहब कहीं से कहीं तक विश्वास नहीं है। ये देखो। हमें आप एक युवा आपको विश्वास है? जो जो मोदी कर रहा है 2014 से अब तक कोई एक भी गरीब अगर बोल देना कि मैं मोदी जी से खुश हूँ तो मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं खुश, रेल भी कहेगा सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। हम बिहार का जो टिकट था, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पहले 350 रुपये में जाते थे, अभी साला 1700 रुपये लगता है। क्यों? वो प्राइवेट हो गया, उस पर टैक्स जोड़ रहा है। अगर वो अगर हमारी गवर्नमेंट को होती वो चीज सस्ती होती ना। अभी गरीबी की हालत क्या? सुनो पहले सुनो, अच्छा ये बताओ, ये नहीं देख रहे हो तरक्की कितनी बड़ी है? अभी अभी तरक्की बता रहा हूँ, सुनो पहले। अभी अभी पहुंचा चांद पे, चांद। अच्छा वो चांद पे झंडा, मैं बोला था ना उस दिन कि ये लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी ने ऐसे उठाया और चांद पे भेज दिया। ले भाई पता कितना लगा उसमें? अच्छा। अभी अरे सुनो पहले, अरे भैया चांद पे गया, सुनो तो पहले, अरे चांद पे गया ठीक है, हम लोगों का लगा है, ठीक है, तरक्की हुई है ये। अब ये अभी रसिया ने भेजा था कितना, 1400 करोड़ लगा के। भारत पहली बार चांद पे कब गया ये बताओ? कौन ये बात किसके, भारत पहली बार चांद पे कब गया? तुम अभी तरक्की की बात करो, ये पहली मेरी बात। आपने चांद की बात की है, आपसे तरक्की पूछा, चांद बताया। पहले सुनो एक मिनट, पहले अभी रसिया ने जब पहुँचाया था कितना, 1400 करोड़ 1400 करोड़। उसने मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, तो सुनो तो पहले, तो 1400 करोड़ लगा के पहुँचा तो उसने उसका जाके फेल हो गया, ठीक है। अब इसने अभी 7000 करोड़ लगा के भेजा तो वहाँ पे जाके पहुँच गया, ठीक है। अभी G20 वाला मिशन हुआ ये यहाँ पे दिल्ली में, तो इसमें कौन कौन घुसा भाई दिल्ली में जाके बोल भी मत दियो ये बात कि G20 से, ठीक है, नहीं तो चप्पल के बगैर वहाँ से आएगा। दिल्ली मतलब ही क्या है, चप्पल वहाँ पे जितने लोग भी काम के, किसी को मजदूरी भी नहीं, बोल भी मत दियो G20। कितने दिन हुए अभी, छोड़ो यार इनको बताने दो, G20 के। अच्छा 2023 में G20 हुआ, तरक्की होने में टाइम लगेगा कि नहीं? अच्छा ये G20 किस लिए हुआ? गरीबों के लिए हुआ, उसमें गरीबों का ही फायदा है इसमें। क्या क्या फायदा? फायदा नहीं भाई, आगे होंगे जो कुछ फायदा होंगे। क्या फायदा आगे, अरे क्या फायदा होगा? अभी जब G20 में काम कराऊं मैं, हाँ काम करता हूं मैं। अब इनसे G20 में इसने काम किया है, काम किया उसमें, गरीब का G20 में गरीब का कोई फायदा नहीं है उसमें। देखो बगल में ही है, मैंने काम किया। अरे आपकी तो उधर दिया, किसका पैसे मिले? कोई पैसा नहीं मिला G20 में। ये लड़का सही बोल रहा है, तुम 3 साल से काम कर रहा हूँ G20 में। अच्छा यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में जो बने हैं 23 में हुआ है। अरे सुनो जो अभी हुआ 3 साल से बने हैं, तीन जो मेरे सामने नए बने अभी तीनों, वो क्या बने हॉल जो बने नए बने वो तीनों, और जिसमें मोदी जी आए थे G20 में, नए में आए थे, उसमें नए में जो आए थे G20 में, अभी जो मैच हुआ है। कितना पैसा बाकी है आपका? अब वो पैसा तो वो दे रहा बाकी है हमारे बेंडरों का। एक दिन का कितना दे रहा था? एक दिन के हम 700 रुपए दिहाड़ी लेते हैं बड्डे। बताओ भाई एक मजदूर का मजदूरी मार। और सुनो, अरे मजदूर मोदी थोड़ी मार रहा है, तो ये ठेकेदारी तो मोदी ने, गरीबी तो बोल तो रहा है गरीब, जिसको G20 में काम करने वाले को पैसा नहीं मिला, आपका क्या फायदा होगा? किसका नहीं फायदा होगा? अभी
अभी होगा एकदम से, ये बताओ एकदम से हो जाता फायदा? वही तो पूछ रहा हूँ क्या क्या फायदा अभी जो होगा तो होगा देखना क्या होगा, अभी जब सरकार बनेगी वही तो पूछ रहा हूँ क्या। मैं भाई कहता हूँ राहुल की सरकार आएगी सबका फायदा होगा, मोदी का सरकार आएगा गलिये जो रोड दिख रहे हैं जितने बड़े बड़े छोटे छोटे सब गरीब एक दिन यहाँ पे आके सोएंगे। सरकार ही नहीं आएगी भाई साहब, मोदी के अलावा सरकार ही नहीं आएगी अब। हाँ मोदी के अलावा अब सरकार आएगी नहीं। अच्छा अभी गरीबी में भारत कितने नंबर पे है? आज ही मैं रिपोर्ट देख रहा था गरीबी, दो चार दिन पहले टीवी में देखा अभी, वो बाल वाला आता है अभी तो तीन नंबर में था, अब तक नहीं गरीबी में पहुँच गया है ये सातवें नंबर पर, सातवें नंबर। हाँ अभी तक तीन नंबर में था जब इनकी सरकार नहीं थी तब ऊपर नीचे गया है, मतलब ये सारे जो नीचे पहुँच गए अपना देश मतलब थोड़ा ऊंचा उठा है अभी तक। अब मैं एबीपी की रिपोर्ट देख रहा था उसमें टॉप फाइव में आ रहा है। एबीपी नहीं अपना चेक करो, एबीपी न्यूज नहीं चेक करो गूगल पे, अभी डाल गूगल पे देखो भाई एबीपी न्यूज कहाँ है। अरे वो तो इंडिया का चैनल पे ही दिखा देते हैं, मतलब ये जो एबीपी न्यूज वाले ना वो झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अरे झूठ नहीं, मैं अपने सर्च करके जो मैंने बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, सातवें नंबर पे इसमें देश चल रहा है ठीक है, तो देश तो ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए आपकी बात मान ले सातवें नंबर पे, इतना बड़ा देश इतना बड़ा प्रधानमंत्री इतनी बड़ी इकोनॉमी देश गरीबी में सातवें नंबर पे, टॉप फाइव में टॉप सेवन टॉप टेन में मान लो तो सातवें नंबर पे। हाँ टॉप टेन बड़ा अच्छा काम, अच्छा काम नहीं हुआ अब होगा धीरे धीरे काम। क्या क्या होगा? सरकार नहीं, सरकार बदलने वाली नहीं अभी है, मोदी के अलावा सरकार नहीं आई। अरे बोल तो रहा है कि मोदी सरकार को इस बार नहीं आना, नहीं आने देंगे इन भाई को क्या पता है बताओ, जो अंधे 10 साल में कुछ नहीं कर पाए वो आने वाले समय में क्या करेंगे, गरीब के हाथ में कटोरा दिलवाएंगे ठीक है, बोलेगा भाई साहब भगवान के नाम पे मांगो और अल्लाह के नाम पे मांगो वो यही। और राहुल गांधी के हाथ में कौन सा आपको सोने का कटोरा मिला? राहुल गांधी जब थे ना इस टाइम पे तो उसके सरकार कांग्रेस ने सोने का कटोरा मिला, ये जो वो उन्होंने कटोरा नहीं दिया हाथ में ठीक है, उन्होंने तसला दिया, तसला नहीं और मसला भी नहीं, उन्होंने रोजगार भरपूर दिया ठीक है, उन्होंने रोजगार भरपूर दिया ठीक है, हर एक चीज सस्ती थी उनके चीजों में राज्य में ठीक है, जो उनकी पीढ़ी देश चलाती हुई आई है उन्हीं हिसाब से उन्होंने चलाया ठीक है, गरीबों के बीच उन्हें गरीबों का देखा है, मतलब कि शुरू से उनकी सरकार चलाती हुई आई है ठीक है, और ये सरकार में ना गरीब का सुना जाता ना कहीं से कहीं तक कुछ नहीं सुना जाता, ये जो सरकार है ना सिर्फ अडानी और अंबानी का है ठीक है, इनके अगर मन में आए तो 3500 करोड़ माफ कर दे, आए तो 200 करोड़ माफ कर दे, गरीब का एक भी माफ नहीं होगा ठीक है, अगर कोई किसान अगर लोन ले ले उसके ऊपर देखो बाइक वाले भैया हेलमेट हेलमेट लगा के घूम रहे, महंगाई लग रही है मुझे लग रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डाल लो या पानी, मुझे कोई महंगाई नहीं है, पानी डाल लो क्या, पेट्रोल डालो पेट्रोल, पेट्रोल हाँ पेट्रोल आपके घर में निकलता है क्यों, पेट्रोल पंप सस्ता लग रहा है, सस्ता है मुझे तो बड़े को बड़ा महंगा सस्ता मुझे लगता है, महंगा सस्ता है, सस्ता है सरकार कैसी है, मोदी जी वापस आएंगे बदलना है, आज मोदी जाएंगे, मोदी जी आएंगे बढ़िया काम लगा, बढ़िया क्या क्या काम लगा अच्छा भाई, हम तो काम जो कर रहे हैं वही करेंगे, हमारा काम तो रोज का ही है। अच्छा काम क्या क्या लगा अच्छा मोदी है, मोदी जी का कौन कौन सा काम है, सारे काम जो चल रहे सारे काम बढ़िया, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा लगा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ अच्छा लगा, उन्होंने कब कहा है, मोदी जी ने कहा नहीं, कब बोला, बोला था किसने, बोला था जवान फिसल गई, किसने बोला, जैसे राहुल गांधी ने आलू सोने वाले मोदी जी ने भी लग रहा है आपको अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ ये जो अभी आपने मेरी सुना, आपने हर बात को काट दे रहे हैं, मेरी बैठी हुई आवाज आज तो मैं ये कह रहा हूँ एक डायलॉग की, आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने दिया, लिख के दिया था क्या, अरे तो मैंने कहा बोला लिख के दिया, तो मैंने तो राहुल गांधी का भी बोला कि आलू सोने वाली बात, तो मेरे को दोनों से किसी से नहीं, उसको फंसा रहे हैं, मैं मैंने दोनों बात बोली है कि नहीं, क्या बोली दोनों, राहुल सोना राहुल का आलू सोने वाली बात, राहुल की बात है गंदे बता, बोली है कि नहीं, मोदी जी की बोली है तो राहुल की भी बोली है मैंने, क्या बोली क्या बोली, क्या जैसे राहुल गांधी बोला आलू से सोने वाली बात बोला है ना, क्या बोला तुम, तो कह रहे हो लोड़िया पटाओ कह रहे यार, खराब है क्या लग रहा भैया, क्या 2024 में बीजेपी है भाई, बीजेपी रहेगी, बीजेपी रहेगी और बढ़िया काम लगा, कहाँ भेज रहे हो भैया बीजेपी को, कहाँ भेजना है, यही हम कहाँ तो यार यही रहेगी, यही अभी तो 2024 की बात कर रहा हूँ, 24 में भी रहेगी 27 में भी रहेगी, अभी तो जमीन भी पूछ रहे थे क्या लगता है, हाँ भाई 24 में बीजेपी आएगी तो रहेगी, क्या लग रहा है भैया 2024 में हम आएंगे, अच्छा आप आएंगे, इसलिए चेहरे पे साइनिंग मार के, किसको लाएंगे बताइए ना, मोदी जी ठीक है या बदलेंगे, अरे सारे लोग बोल रहे हैं मोदी जी को लाएंगे, आप ही को खराब लग रहे हैं, हाँ हमें खराब लग, क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई मोदी जी से, अब बताए नहीं जा, देखिए मोदी जी के आज के टाइम में इतना बढ़िया काम है, गुंडागर्दी आज के टाइम में इतनी खत्म हो चुकी है, इतना भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है,
जो आज के टाइम में कॉलेज जॉब से लड़के हमारी बहन बेटी जाती थी और जो गुंडागर्दी लड़के करते थे वो सब खत्म हो चुकी है। ये तो आपके चश्मे से दिख रहा है, रात में काला चश्मा रखे दूसरी नजर किसी को ना लगे। दूसरी बात बड़े भाई ये है, क्या आज के टाइम में भेदभाव कुछ नहीं है, आयुष्मान कार्ड बनने हैं, जितनी बड़ी गरीबों को फैसिलिटी मिल रही है, रोड कितने बढ़िया कर दिए हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे जो संसद में एक नेता बोलता है बीजेपी का सांसद कटुआ मुल्ला आतंकवादी, अगर एक बंदा अगर गलत हो जाए उसके दिमाग की हट जाए तो उसके बारे में हम पूरी उसको पार्टी से निकाल नहीं, देखिए ऐसे आदमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए और इस तरह की जो सांप्रदायिक बात होती है इस तरह की नहीं फैलानी चाहिए कभी भी समाज में। देखिए एक साथ एक ही हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे सभी बिरादरी और सभी जाति, आपने एक बात कही है कि सब कुछ सही चल रहा है, बीजेपी उस बंदे को पार्टी से बाहर निकाल के फेंक निकाल। देखिए अभी चुनाव का दौर है, क्या पता क्या मजबूरी है, लेकिन उसके साथ भी सरकार एक्शन लेगी। पार्टी अच्छी तो वही होगी ना जो सबको लेके चले, कोई गलत बोला उसको निकाल। सुनिए उसके लिए मैं भी विरोध करता हूं, इससे दुनिया बोला है देश में, इसके लिए मैसेज क्या गया बीजेपी के खिलाफ कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, बीजेपी खाली बीजेपी को वो नहीं देंगे हम इसका, ये तो खाली जो उन्होंने बोला है जो सांसद जी ने बोला था सांसद जी के लिए दानिश अली जी के लिए बोला, लेकिन ऐसे शब्द किसी के लिए भी प्रयोग नहीं करने चाहिए, जो कि जब भी उनकी सदस्यता वो खत्म कर देनी चाहिए थी उसके, अगर इस तरीके से एक दो जो उनके सांसद हैं विधायक हैं अगर सख्त उन पर निगरानी रखी जाएगी तो आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस विश्वास में खड़े नहीं उतर रहे। नहीं, क्यों नहीं सांसद को बाहर? नहीं, देखिए वो बात अलग हो गई है, वो बड़े हाई लेवल के हो गए, लेकिन जनता के बीच में जो विकास की बात चल रही है बिल्कुल बराबर हो रही है। यार अभी देखिए 6 यूनिट पे सरकार ने निकाला है आयुष्मान कार्ड बनाना, कितने हैं मुसलमानों के सबसे ज्यादा 6 यूनिट होते हैं, क्या हो रहा राशन कार्ड में सबसे ज्यादा जो बच्चों की पैदावार है मुस्लिमों के होते हैं, और 6 यूनिट पे अभी सरकार ने निकाला, पहले 6 वालों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे जो फ्री में इलाज होता है, फिर उसके बाद में 5 वाले बनेंगे, 6 यूनिट सबसे ज्यादा किसके मिलेंगे मुसलमानों के, तो कहाँ है भेदभाव? अभी जैसे बीप का मामला था लटकाए फिरते थे कहीं पे, अभी आज के टाइम में कितनी फैसिलिटी कर दी। एक बात बताओ, आपने थोड़ा फायदा दे दिया, उसके बाद मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसके बाद गाली दे रहे हैं कटुआ मुल्ला संसद में ऐसी जगह, अब एक तरफ बोल रहे हैं आपकी फायदा दे दिया, देखिए गाली भी देंगे और फायदा भी देंगे, ये तो पीछे से मॉब लिंचिंग, सुनिए झगड़े दंगे ये तो सभी से पहले से चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चलते आ रहे हैं, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा गलत भी है कहीं कहीं पाई गई है, लेकिन इसमें रुकिए जरा आपके पास से आ जाते हैं भैया, भी बोल रहे क्या बोल रहे मॉब लिंचिंग के बारे में? नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे।